Good morning, student. This video is about class 5 subject science chapter number 4 safety and first aid. This is our lecture, lecture number 2. In lecture number 1, we have done accident, safety rules, and little introduction of first aid. Today, we are going to read. इन डिटेल अबाउट फर्स्ट एड फर्स्ट एड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजरीज नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्स्ट एड अलग अलग टाइप की इंजरीज मैंने आपको बताया था फर्स्ट एड क्या होता है जब भी कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो जो इमीजिएटली हेल्प होती है तो जो तभी की तभी थोड़ी हेल्प की जाती है थोड़ा सा उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए उस कंडीशन को वर्स्ट होने के लिए रोकने के लिए जो हेल्प की जाती है उसको फर्स्ट एड बोलते हैं तो डिफरेंट इंजरीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फर्स्ट एड होते हैं द फर्स्ट एड गिवन इन द डिफरेंट केसेज आर गिवन बिलो अब हम अलग अलग केसेस में जो अलग अलग फर्स्ट एड दिए जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट एड फॉर माइनर कट्स माइनर कट्स छोटे मोटे कट्स जो हमें घर पे भी लग जाते हैं कोई भी काम करते हुए लग सकते हैं इनकेस ऑफ माइनर कट वॉश द इंजर्ड एरिया विद प्लेंटी ऑफ वॉटर आपको क्या करना है अगर छोटा सा कट अगर जैसे मम्मा वेजिटेबल कट कर रही है तो भी छोटा सा कट उन्हें लग सकता है तो आपको क्या करना है उस जो एरिया में कट लगा है उसको बहुत सारे पानी से साफ करना है धोना है को को रोकने के लिए साफ कॉटन कॉटन लेनी है है. और उस से उस से कट करना अ क्लीन बैंडेज वोड मीन्स घाव तो आपको उसके बाद जब वो ब्लीडिंग रुक जाए थोड़े कॉटन से तो उसके बाद उसके ऊपर एंटीसेप्टिक क्रीम जो आपके घर में कोई भी हो वो लगानी है और उस पर पट्टी बांध देनी है साफ पट्टी ये नहीं कि कोई भी गंदा सा कपड़ा लेके बांध दिया नो no. क्लीन नहीं तो कट्स में इंफेक्शन होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है डर्टी एंड ड्रस्ट ऑब्जेक्ट हैम्प ऑन देअर सरफेस अगर वो कट आपको कोई भी डर्टी या रस्ट लोहे का कोई भी गंदा सा चाकू होता है या फिर कोई लोहे का सरिया या कोई भी ऐसी चीज जिस पे डस्ट लगा हो जंग लगा हो वो हो ऐसे सरफेस से लगा है इफ योर इफ आर स्किन गेट कट बाय दीज ऑब्जेक्ट जर्म में जम्स में एंटर आर बॉडी एंड कॉज आर डेंजरस डिजीज कॉल्ड टेटनेस अगर ऐसे कोई भी सरफेस से हमें कट लग जाता है जिस पे रस्ट होती है या डर्ट होती है तो वो जो जर्म्स होते हैं उस पर सरफेस पर वो जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और एक बहुत ही डेंजरस डिसीज़ जिसे बोलते हैं टैटनेस वो टैटनेस हमें हो सकती है तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इमिडिएटली हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए उस पर खुद फर्स्ट एड करने के बाद हम फर्स्ट एड घर पे कर सकते हैं बट उसे डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए नाव आर डेज एंटी टैटनेस इंजेक्शन आर अवेलेबल विच आर गिवन टू द इंजर्ड पर्सन टू प्रिवेंट टेटनेस आजकल एंटी टेटनेस इंजेक्शंस होते हैं जो डॉक्टर्स अगर हम जाते हैं उनको बताते हैं कि हमें लोहा लग गया है तो वो टैटनेस का एक इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे हम ये जो डेंजरस बीमारी है टेटनस उससे हम बच सकते हैं तो इसलिए कभी भी अगर आपको कोई भी लोहे की चीज से घाव हो चोट लगे तो हमें डॉक्टर के पास जाकर एंटी टेटनेस इंजेक्शन जरूर लगवाना चाहिए डू यू नो क्या आपको पता है हनी कंटेन एंजाइम्स एंड एंटीवायरल सब्सटेंस दे में हानी के में भी कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो एंटीवायरल होते हैं जो हमारे कट्स और वुंड्स पर बहुत ही एक्टिव होते हैं हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट एड फॉर नोज ब्लीडिंग अगर नोज में से ब्लीडिंग होती है तो हमें क्या फर्स्ट एड करना चाहिए नोज ब्लीडिंग इज यूजुअली ऑब्जर्वड ड्यूरिंग हॉट समर्स इन चिल्ड्रन नोज में से ब्लड आ जाना नक्सीर जिसको बोलते हैं वो यूजुअली कब होती है हॉट समर में होती है जब बहुत ही गर्मी हो जाती है बच्चों में ज्यादातर होती है धूप में जाते हैं खेलते हैं तो उनके नोज में से ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए क्या फर्स्ट एड देना चाहिए केस ऑफ योर नोज ब्लीड्स सिट ऑन द चेयर विद बैक आपको एक चेयर पे बैठ जाना चाहिए ठीक है जब आपकी नोज ब्लीड कर रही है आपको चेयर पे बैठना है और चेयर पर बैक साइड अपने हेड को पीछे की तरफ कर लेना है अगर आप झुका के रखोगे आगे की साइड तो और ब्लीडिंग होगी आपको अपने हेड को पीछे की साइड ऊपर की तरफ करना है और उसके बाद प्रेस द ब्लीडिंग साइड ऑफ द नोज हेल्प ऑफ योर थम एंड फोर फिंगर एंड ब्रीथ थ्रू द माउथ इट विल स्टॉप ब्लीडिंग जिस भी साइड से आपको ब्लीडिंग हो रही है नोज की वो साइड या दोनों अपने नाक को बंद करके थम और फोर फिंगर से अपनी ब्रीथ करना है माउथ से नोज से ब्रीथ नहीं करना माउथ से ब्रीथ करना है वो, ब्रेडिंग होने ही से तो ब्रेडिंग है वो रुक जाएगी जब आप माउथ से ब्रीथ इन करोगे तो जो नोज की ब्लीडिंग है वो रुक जाएगी बट आपको क्या करना है अपने हेड को पीछे की साइड करके रखना है चेयर पे बैठना है और हेड को पीछे ऊपर की तरफ अपने सिर को ऊपर की तरफ कर लेना है हेड मतलब जैसे आसमान में देखते हैं या पीछे की साइड देखने की कोशिश करना है आपका हेड बैक साइड होना चाहिए और फिर नोज को बंद करके माउथ से ब्रीथिंग करना है ये फर्स्ट एड है नोज ब्लीडिंग के लिए और एक और चीज कर सकते हैं हम एंड आइस पैक कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रैपिंग द आइस इन कॉट इन द क्लॉथ दिस आइस पैक कैन बी अप्लाइड ऑन द नोज टू रिड्यूस द ब्लीडिंग हम अगर घर पे हैं तो इस आइस पैक को भी कर सकते हैं आइस लेनी है आइस की उब्स होती हैं हमारे फ्रिज में उसको एक कॉटन के कपड़े में डालना है और उससे अपने नोज पर जैसे सेका करते हैं हम वैसे ही सेकना है ठीक है या हम ठंडा पानी अपने हेड के ऊपर भी डाल सकते हैं इससे भी ब्लीडिंग रुक जाती है या फिर हम ये पैक का भी यूज कर सकते हैं क्लोथ में किसी भी क्लोथ में आइस को डालकर अपने नोज के ऊपर अप्लाई करना है उसको ठीक है Do you know, क्या आप जानते हैं अराइनास्कोप इज अ टूल दैट अनेबल द डॉक्टर टू व्यू द बैक ऑफ नोज टू स्पॉट द ब्लीडिंग ब्लड वेसल्स एक जो टूल है जो डॉक्टर्स यूज करते हैं राइनास्कोप ठीक है वो क्या करता है डॉक्टर्स को हमारे नोज के बैक साइड में कि कहां से कौन सी वेसल से ब्लीडिंग हो रही है ब्लड ब्लीडिंग हो रही है वो देखने में हेल्प करता है फर्स्ट एड स्पेन पेन टाइम वेन चिल्ड्रन प्ले दे आर ज्वाइंट लाइक एंकल्स और व्रेस्ट कैन गेट ट्विस्टेड जब बच्चे खेलते हैं तो उनके कोई भी ज्वाइंट जैसे कि एंकल हो गया विस्ट हो गई वो ट्विस्ट हो जाते हैं मुड़ जाते हैं दिस कॉज इज स्वेलिंग एंड पेन इन द ज्वाइंट और इसकी वजह से क्या होता है स्वेलिंग आ जाती है पेन होता है स्वेलिंग मतलब थोड़ा सा फूल जाना उस एरिया का और पेन होता है उस ज्वाइंट्स में दिस इज कॉल्ड स्पेन इसको क्या बोलते हैं स्पेन फर्स्ट एड फॉर स्पेन अब हम पढ़ेंगे कि हम फर्स्ट एड क्या यूज कर सकते हैं के लिए। कभी भी आपका घर पे या कहीं hand twist, twist, twist या कहीं बाहर हो जाती है, तो आप ये first aid यूज कर सकते हैं। ज्वाइंट टू रिड्यूस स्वेलिंग एंड पेन जो हमने अभी आइस पैक सीखा था किसी भी क्लोथ में आइस डालकर वो हम अप्लाई कर सकते हैं जिस भी ज्वाइंट में हमें पेन हो रहा है वहाँ पर इससे क्या होगा? हमारी हो हो जाएगी और पेन भी हो जाएगा. इंजर्ड एरिया टू प्रोवाइड कोई भी बैंडेज हम बांध सकते हैं ठीक है, है? जिससे हमारे जो इंजर्ड एरिया है जो जहां पर चोट लगी है उसको सपोर्ट मिल जाए ठीक है एविलेशन ऑफ द इंजर्ड प्रपो देश है अगर हमारे पैर पे चोट लगी है तो हम उस पैर को थोड़ा ऊंचाई में रख लेंगे तो हमारे पेन में थोड़ा रिलीफ मिलेगा ब्रेकिंग ऑफ ना फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर अगर फ्रैक्चर हो जाए तो उसके लिए क्या फर्स्ट एड नोन एज फ्रैक्चर होता क्या है जब भी हमारी कोई बोन टूट जाती है, हड्डी टूट जाती है उसको हम क्या बोलते हैं फ्रैक्चर बोलते हैं इट कैन अकर ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स और ड्यू टू फॉल ये किसकी वजह से हो सकता है या तो कोई रोड एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है और या फिर अगर हम गिर जाते हैं वो तो बुरी तरीके से तो हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता कि बैठे बैठे फ्रैक्चर हो जाए इन दो पॉसिबिलिटीज या ज्यादा पॉसिबिलिटीज में ही फ्रैक्चर हो सकता है पेनफुल होता है इट मस्ट बी ट्रीटेड बाय अ डॉक्टर और इसका इलाज डॉक्टर से ही होना चाहिए बट टू रिड्यूस द पेन ऑफ इंजर्ड पर्सन फर्स्ट एड कैन बी गिवन टू हिम बट क्योंकि ये बहुत पेनफुल होता है हड्डी टूटी है हमारी है ना तो बहुत ही पेनफुल होता है इसलिए क्या करना चाहिए हमें उस पर्सन का पेन को रिड्यूस करने के लिए हमें उसे फर्स्ट एड देना चाहिए। केस ऑफ फ्रैक्चर द ब्रोकन बोन शुड बी इमोबलाइज हमें जो ब्रोकन बोन है उसको क्या करना चाहिए इमोबलाइज करना चाहिए इमोबलाइज मींस एक जगह पर स्थिर रखना मतलब उसको जो भी हमें जहाँ पर दर्द हो रहा है जिसको हमें लग रहा है कि ये बोन क्रैक हो गई है टूट गई है तो हमें उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है सीधा रखना है इफ फ्रैक्चर इज इन हैंड अगर फ्रैक्चर हैंड में है आ स्लिंग मेड अप ऑफ क्लोथ कैन बी यूज्ड टू सपोर्ट एंड प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ ब्रोकन बोन तो हम क्या कर सकते हैं अगर हैंड में फ्रैक्चर हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं एक स्लिंग किसी भी मम्मा के किसी भी क्लोथ से चुन्नी से भी चाहे हम एक स्लिंग बना सकते हैं और हम उसकी सपोर्ट से अपने जो मूवमेंट है हैंड की उसको रोक सकते हैं उसको बांध लेंगे कंधे पर ठीक है गले से बांध लेंगे हैंड को तो उससे क्या होएगा हमारी हैंड की मोमेंट रुक जाएगी और हमें ज़्यादा दर्द नहीं होएगा डॉक्टर के पास पहुँचने तक हम ये कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट इज इज इफ फ्रैक्चर फ्रैक्चर इन लेग लेग अगर रोल ऑफ न्यूज पेपर न्यूज पेपर के रोल्स रख सकते हैं हम अपने पैर के नीचे ठीक है स्टिक ऑफ मेटल एंड वुड कॉल्ड स्प्लिंट कैन बी यूज टू इमोबलाइज द इंजर्ड एरिया जैसे न्यूज पेपर के किसी स्टिक से मेटल की कोई स्टिक हो उसको रख के अपने पैर के नीचे, ठीक है किसी वुड की आ, स्ट, आ, मतलब स्टिक ले ली है, थोड़ा सा जो चौड़ा होता है स्टिक उसपे हम अपने पैर को बांध सकते हैं ठीक है जिससे हमारा पैर वहां पर सीधा रहे और उसको वो हिले ना यमोबलाइज हो जाए वो हिले ना हमारा इंजर्ड एरिया और हमें जल्दी से जल्दी रज द विक्ट टू द डॉक्टर जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए क्योंकि ये बहुत पेनफुल होता है और इसका इमिजिएटली ट्रीटमेंट होना जरूरी होता है फर्स्ट एड ऑफ एनिमल बाइट्स अगर हमें एनिमल कोई भी एनिमल बाइट कर लेता है तो उसके लिए भी अलग फर्स्ट एड होता है सम एनिमल्स लाइक डॉग्स घूमते हैं कैट कई बार हमारे घर पे मोंकीज है, आते हैं वो हमें काट सकते हैं ठीक है Their saliva contains सलाइवा कंटेन्स हार्मफुल जर्म्स विच कोज called rabies। जो उनका स्लाइवा होता है उसमें बहुत ही ज्यादा हार्मफुल जर्म्स होते हैं ठीक है जिससे क्या डिसीज हो जाती है रेबीज हो जाती है डिसीज का नाम है ठीक है और ये बहुत ही डेंजरस डिसीज है तो कभी भी अगर हमारे को कोई भी इनमें से एनिमल खाता काट जाए सॉरी बाइट कर जाए तो हमें उसके लिए भी घर पे फटाफट हाँ एक फर्स्ट एड लेना चाहिए उसके बाद डॉक्टर डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए इन केस ऑफ एनिमल बाइट वॉश द वुंड विथ सॉप एंड वाटर टू वॉश ऑफ द स्लाइवा उस स्लाइवा को सबसे पहले हमें हटाना है जहाँ पर वो एनिमल काटा है डॉग ने बाइट किया है कैट ने बाइट किया है मोंकी ने बाइट की है उस एरिया को हमें सॉप और वाटर से अच्छी तरीके से धोना है अच्छे से वाटर डालते रहना है सॉप से दो तीन बारी वॉश करना है अगर आपके पास कोई एंटीसेप्टिक है जैसे डिटोल है तो हम उससे भी क्या कर सकते हैं उस एरिया को क्लीन कर सकते हैं ठीक है गो टू द डॉक्टर इमिडिएटली और जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए डॉक्टर में गिव एंटी रेबिस वैक्सीनेशन टू द विक्टिम और जिसको भी आ, क्या हुआ है काटा है कोई भी एनिमल जो काटा है जिस भी पर्सन को काटा है उसको डॉक्टर क्या देगा एंटी रेबिस वैक्सीनेशन देगा इंजेक्शन देगा जिससे रेबिस का खतरा कम हो सकता है ठीक है ये बीमारी नहीं होएगी इन केस ऑफ पॉइजनस स्नेकट इन थ्रू द ब्लड अगर कोई भी जहरीला सांप हमेंट किया है तो जो पॉइजन होता है स्नेक का वो हमारे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाता है इफ द विक्टम कंटिन्यूज टू मूव अगर जिसको भी काटा है स्नेक वो मूव करता रहेगा The, poison can spread in the entire body to so, wo jo poison hai तो वो जो mein है वो पूरी request में फैल जाएगा so, request the victim to sit at a place or stay calm. इसलिए हमें क्या करना चाहिए जिसको भी ऐसा हुआ है जो भी victim बना है जिसको भी स्नेक ने बाइट किया है उसे कहना चाहिए कि प्लीज एक जगह बैठ जाओ और थोड़ा सा काम हो जाओ शांत हो जाओ ठीक है कीप द बिटन एरिया लोअर देन heart. है? जो हमारा पर भी काटा है, स्नेक ने उस एरिया के ऊपर जहाँ पर भी बाइट किया है वहां पर एक क्लोथ टाइटली बांध देना है ठीक है उस बिल्कुल उस एरिया के ऊपर बांधना है ताकि जो पॉइजन है वो पूरी बॉडी में ना फैल पाए और जो ये हम बैंड बांधते हैं इसको क्या बोलते हैं टॉनिक के ठीक है इस है इससे जो वो पूरी बॉडी में फैलने से रुकता है दिस स्लोली डाउन द फ्लो ऑफ ब्लड टूवर्ड द दर्ट एंड सेव द लाइफ रज द नियर बाय हॉस्पिटल जो ये हमने बांधा है बैंड इससे क्या होएगा इससे ब्लड का जो फ्लो होएगा वो लो हो जाएगा और उस विक्टम की जान बच सकती है बट जल्दी से उस विक्टम को हमें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए नाउ टूडेज होमवर्क टूडेज होमवर्क इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू वट फर्स्ट एड कैन बी गिवन टू अ चाइल्ड विद विदाउट ब्लीडिंग लोगस जब भी एक बच्चे की ब्लीडिंग नोज हो नाक में से खून निकल रहा हो तो हमें क्या फर्स्ट एड देना चाहिए आई रिपीट वट फर्स्ट एड कैन बी गिवन टू अ चाइल्ड विद अ ब्लीडिंग नोज क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ वुड यू हेल्प द विक्टम ऑफ स्नेक बाइट जब किसी इंसान को स्नेक खा जाता है बाइट कर जाता है तो काट जाता है इंसान को तो हमें क्या करना चाहिए हाउ वुड यू हेल्प द विक्टम ऑफ स्नेक बाइट

immediate care before our doctor arrives this immediate help is known as first aid i repeat an injured or sick person needs immediate care before our doctor arrives this immediate help is known as first aid now i am going to tell you aims of first aid it saved the life of injured person i repeat it saved the life of injured person it prevent the condition of victim from getting worse i repeat it prevents the condition of victim from getting worse next is it keeps the injured person in comfortable position till the doctor or medical helps arrive i repeat it keeps the injured person in comfortable position till the doctor or medical helps arrive and i gave you one activity also

कि हमें कार में सेफ्टी बेल्ट लगानी चाहिए ठीक है क्रॉस द रोड फ्रॉम जैबरा क्रॉसिंग यूज लाइफ जैकेट ठीक है और बस के रूल्स भी आप बना सकते थे ठीक है? हैंड एंड फीट टू इट सेल्फ अपने हाथ और अपने पैर अपनी जगह पे रखो ठीक है इस तरीके से रोड के सेफ्टी रूल्स भी ले सकते थे बेटा इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी इन दिस लेक्चर यू कैन सेंड अ मेल ऑन माय ईमेल एड्रेस ओके इफ यू लाइक द वीडियो प्रेस लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली थैंक यू हैव अ नाइस डे बी सेफ बी हैप्पी